वेलकम टू ऑल। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एक्सियल कंप्रेसर का डिटेल एनालिसिस देखने के बाद एक कंपैरिजन करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल कंप्रेसर कौन किस किस एस्पेक्ट्स में अच्छा है, किसके क्या क्या फीचर्स हैं, किसके क्या वो हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कैसा रहता है, डायरेक्शन के बेसिस में एक कंपैरिजन कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसा रहता है एयर का, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब पहले तो पैरेलल टू एक्सिस रहेगा सेंट्रीफ्यूगल में जब एंट्री करेगी कंप्रेसर में, लेकिन जब रेडियल डायरेक्शन में हो जाएगी तो उसका फ्लो कैसा हो जाएगा इंपेलर में, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दैट इज रेडियल डायरेक्शन में। और एक्सियल कंप्रेसर में क्या होता है, जो एयर का फ्लो रहता है इंपेलर में वो क्या होता है, एक्सियल डायरेक्शन में है, पैरेलल टू द एक्सिस होता है। पहला डिफरेंस तो ये। दूसरा, सेंट्रीफ्यूगल में अपन लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहती है सेंट्रीफ्यूगल की वो कम रहती है, रनिंग कॉस्ट रहती है वो कम रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल ब्लेड्स यूज़ होती हैं जो कि रेडियल फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर्व्ड रहती हैं, जनरली रेडियल ब्लेड्स यूज़ होती हैं। लेकिन जो एक्सियल कंप्रेसर है उसमें कौन सी ब्लेड्स यूज़ होती हैं, एरोफॉइल शेप की ब्लेड यूज़ होती हैं, और एरोफॉइल ब्लेड की जो कंस्ट्रक्शन है और जो कॉस्ट है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और महंगी है। इस कारण से एक्सियल कंप्रेसर की जो मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज ज़्यादा है और कॉस्ट भी ज़्यादा है। थर्ड, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का लेंथ कम होता है लेकिन फ्रंटल एरिया जो रहता है वो ज़्यादा होता है। फ्रंटल एरिया मतलब सामने की तरफ वाला एरिया, एक्सियल कंप्रेसर का वहीं पे लेंथ ज़्यादा रहता है लेकिन फ्रंटल एरिया कम रहता है। फिर नेक्स्ट, जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है वो 30,000 RPM तक रोटेट कर सकता है, एक्सियल कंप्रेसर 20,000-22,000 RPM तक ही रोटेट कर सकता है। प्रेशर रेशियो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में 4-5, 6-7 इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन एक्सियल कंप्रेसर में पर स्टेज प्रेशर तो 1.2-1.5 रहता है, लेकिन ओवरऑल जो प्रेशर रेशियो रहता है वो 10-12-14 तक हो जाता है। तो एयर ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो आपको एक्सियल कंप्रेसर की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद फ्लो सेपरेशन रहता है सेंट्रीफ्यूगल में नहीं होता फ्लो सेपरेशन, क्यों? क्योंकि उसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन रहता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन रहता है, U2 - √U1/2। यू बाद में वेलोसिटी बढ़ती है इसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन कारण, जिस कारण से टोटल एनर्जी फ्लो की बढ़ती है डाउन स्ट्रीम में और उसका फ्लो सेपरेट नहीं होता। लेकिन ये कंपोनेंट जो रहता है एक्सियल में मौजूद नहीं रहता, इस कारण उसमें फ्लो सेपरेशन के चांसेस रहते हैं और होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को वाइड रेंज ऑफ मास फ्लो रेट से चला सकते हैं, मतलब मास फ्लो रेट वेरी हो जाएगा, मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर मास फ्लो रेट पे चलेगा, मास फ्लो रेट वेरी होगा तो उसकी रेंज बढ़ जाती है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की। एक्सियल कंप्रेसर की जो रेंज रहती है मास फ्लो रेट की वो थोड़ी सी कम रहती है कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। एक और डिफरेंस है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में हमने देखा था चोकिंग जो होती है वो हाई मास फ्लो रेट पे होती है, जब एक समय ज़्यादा मास फ्लो रेट बढ़ जाता है तो लॉसेस इतने बढ़ जाते हैं कि प्रेशर रेशियो डेवलप ही नहीं होता और चोकिंग हो जाती है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में। वाइल एक्सियल कंप्रेसर में क्या होता है, जो मास फ्लो रेट रहता है वो कम होने के कारण चोकिंग हो जाती है। स्टॉलिंग अपने को एक्सियल कंप्रेसर में देखने को मिलती है, सेंट्रीफ्यूगल में स्टॉलिंग देखने को नहीं दिखाई देती। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल कंप्रेसर में, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको वैसे ही क्लियर हो गए होंगे अभी तक डिटेल एनालिसिस में, लेकिन फिर भी एक साथ अगर डिफरेंसेस बता दें तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।